हेलो बच्चों, आज हम लोग थैलेसीमिया रोग के बारे में पढ़ेंगे। यह रोग म्यूटेटेड रिसेसिव जीन के द्वारा विकसित होता है। इस रोग में हीमोग्लोबिन का संश्लेषण नहीं हो पाता। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? RBCs में, रुधिर के लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल किसका बना होता है? दो अल्फा और दो बीटा चेन का बना होता है, जैसा कि आपने सिकल सेल एनीमिया में पढ़ा था। अब जो म्यूटेशन के कारण प्रभावित होती हैं, ये चेन्स म्यूटेशन जीन में म्यूटेशन के कारण प्रभावित होती हैं, और थैलेसीमिया में या तो अल्फा या बीटा चेन की का सिंथेसिस ठीक से नहीं हो पाता, जिसके फलस्वरूप अल्फा थैलेसीमिया या बीटा थैलेसीमिया होता है। अल्फा थैलेसीमिया के संश्लेषण यानी सिंथेसिस में 4 जीन भाग लेते हैं तथा बीटा थैलेसीमिया के सिंथेसिस में 2 जीन भाग लेते हैं। इन जीन के म्यूटेशन से थैलेसीमिया माइनर या थैलेसीमिया मेजर, जिसे कोलीज एनीमिया होता है। अब जब अल्फा और बीटा चेन नहीं बनेंगी हीमोग्लोबिन में, तो ये रोग से पीड़ित व्यक्ति के हीमोग्लोबिन का संश्लेषण ठीक से नहीं हो पाएगा, अतः हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी और रोगी एनीमिक हो जाएगा। एनीमिक होने के कारण या हीमोग्लोबिन नहीं बनने के कारण ऑक्सीजन के वहन में भी कमी आएगी। इसके सिम्टम्स यानी इसके रोग के साइंस हैं वो थकावट, जिसे फटीग कहते हैं, वीकनेस, कमज़ोरी, पेलनेस और स्लो ग्रोथ होगी। इसी के साथ साथ बोन्स डिफॉर्मिटीज़ भी होंगी और डार्क यूरिन भी होगा, डिलेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी होगा।